बिल्कुल आपा के वो अगर कहता है कि वो अगर सामने पत्थर को रख के अगर वो खुदा कहता है तो वो खुदा से ही मांगता है। तो हजरत नूह अलैहि सलाम का वाकया है कि पूरा दुनिया को जो है गर्क कर दिया गया था, यहाँ से फिर काफिर पैदा हो गए। आप में इतना इतना तड़ है ना, अगर आप में इतना आपका आपको नॉलेज है तो जाओ आप अमेरिका जाओ, दुनिया के इतना यूरोप कंट्रीज भरे पड़े हैं जो काफिर है, आप जाकर उधर तबलीग करो, आपको मैं मान जाऊंगा। पता है हमें इस्माइली क्यों कहा जाता है? उसका शाह कहाँ मिलता है आपको? जाके आपको अली से मिलता है ना। इसी शाह के एक और इमाम इमाम मुस्तनसर बिल्ला जो आपके निजार के भाई थे, वो भी तो उसी शाह के हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने आपके इमाम को कत्ल कर दिया। अब मुझे ये बताइए कि क्या ये किसी की शाख से होना इस बात की दलील है कि वो हक पर होगा और वो सच पर होगा, और वो अगर इस्लाम में तब्दीली करेगा तो वो अल्लाह के हुक्म से करेगा? दुआ पढ़ता हूँ तो अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ ना, उसमें भी अल्लाह अल्लाह के आगे भी सजदा कर रहे हैं, और उससे पहले क्या बोल रहे हैं आप वो भी तो देखें ना, दुआ के अंदर जो जो शिर्क है ही वहां पर सारा, एक तरफ वो अपने इमाम को आगे कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह को आगे कर रहे हैं, तो दुआ के अंदर ही कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे भाई।